स्वागत है आपका। 23 जनवरी से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 ओडीआई मैचों की सीरीज की शुरुआत होने वाली है और दोस्तों दोनों ही टीम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है वर्ल्ड कप 2019 को ध्यान में रखते हुए। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दोनों ही टीम की स्ट्रेंथ की और दोनों ही टीम की वीकनेस की इस ओडीआई सीरीज में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ की, तो इनकी सबसे पहली स्ट्रेंथ होगी इनका होम कंडीशन, क्योंकि मैचेस जो है वो दोस्तों न्यूजीलैंड में ही होने वाले हैं तो इसका फायदा जरूर होगा न्यूजीलैंड की टीम को। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ जो है वो होगी दोस्तों होम कंडीशन। दूसरी स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो दूसरी स्ट्रेंथ होगी दोस्तों इनकी बैटिंग, काफी अच्छी और काफी डीप बैटिंग लाइनअप है यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम की, जिनमें केन विलियमसन है, मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मुनरो, रॉस टेलर, इनके साथ साथ दोस्तों हेनरी निकोलस, टॉम लेथम, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और मिचेल सेंटनर। तो काफी अच्छे इनके पास बैट्समैन है और काफी बढ़िया बैट्समैन है टीम के पास, तो ये एक और स्ट्रेंथ रहने वाली है न्यूजीलैंड की टीम की। बात करें दोस्तों तीसरी और आखिरी स्ट्रेंथ की तो वो होगी दोस्तों इनकी फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग लाइनअप दोस्तों काफी बढ़िया है टीम का, फुल पैक फास्ट बॉलिंग के साथ इस सीरीज में उतरने वाली है, जहां पर दोस्तों हमें ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, मैट हेनरी और लोकी फक्शन, ये चार मेन फास्ट बॉलर है और इनके अलावा कॉलिन डी ग्रैंडहोम और डॉग ब्रैसवेल, तो ये भी काफी अच्छे फास्ट बॉलर है। तो फास्ट बॉलिंग लाइनअप यहाँ पर काफी तगड़ी है न्यूजीलैंड की टीम की। ये बात हुई दोस्तों न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं हम इंडिया की स्ट्रेंथ की, तो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो होगी दोस्तों इनकी बैटिंग, जहां पर रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी काफी अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं, इनके अलावा दिनेश कार्तिक, अंबाती रायडू, केदार जाधव, रविंदर जडेजा और विजय शंकर, तो काफी अच्छे यहाँ पर बैट्समैन है टीम इंडिया के पास और काफी डीप बैटिंग लाइनअप है टीम इंडिया की भी। इनके अलावा दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म में आना भी काफी बड़ी ताकत जो है वो टीम इंडिया की रहने वाली है। बात करें दोस्तों यहाँ पर दूसरी स्ट्रेंथ की तो वो होंगे दोस्तों टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और रविंदर जडेजा, तीनों के तीनों टॉप क्लास स्पिनर है और ये एक और बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है टीम इंडिया की। तो दोस्तों दोनों टीम की स्ट्रेंथ की हमने बात करी, अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही टीम की वीकनेस की या फिर कहें दोनों ही टीम की कमजोरियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पर जिम्मी नीसम की सर्विस को मिस करने वाली है न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि वो दोस्तों यहाँ पर अनअवेलेबल है, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, तो ये एक कमी होगी न्यूजीलैंड की टीम में। और दूसरी कमजोरी होंगे दोस्तों इनके स्पिनर मिचेल सेंटनर और इश शोडी, दो स्पिनर इनके पास है लेकिन आप कंपेयर करें अगर टीम इंडिया के स्पिनर से तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा आगे है यहाँ पर टीम इंडिया के स्पिनर, तो ये दो कमजोरियां जो है न्यूजीलैंड की टीम की रहने वाली है। वहीं दोस्तों बात करें अगर टीम इंडिया की वीकनेस की तो हार्दिक पांड्या के ना होने से प्लेइंग 11 को दोस्तों यहाँ पर सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, विराट कोहली के लिए काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो हमें प्लेइंग 11 में देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों दूसरी वीकनेस की बात करें तो वो रहेगी टीम इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप, जसप्रीत बुमराह के बिना दोस्तों वो धार जो है टीम इंडिया की फास्ट बॉलिंग में नहीं है, जहां पर भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज जरूर है लेकिन बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के ना रहने। तो ये थोड़े से वीक पॉइंट है टीम इंडिया के। तो दोस्तों दोनों ही टीम की स्ट्रेंथ की हमने बात करी, दोनों ही टीम के वीकनेस की हमने बात करी। अब आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम है सबसे ज्यादा मजबूत, कौन सी टीम जीतने वाली है ये ओडीआई सीरीज, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।